अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एट मैथ एक्सपर्ट्स वन। तो नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.6 और क्वेश्चन नंबर 7 आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बड़ा ही अहम क्वेश्चन है। आज हम इसको बड़े ही इंतहाई आसान तरीके से समझेंगे सो दैट के आपको हल करना ईजी हो जाए। तो स्टेटमेंट है सॉल्व द इक्वेशन फॉर रियल एक्स एंड वाई, मतलब हमने नीचे कुछ इक्वेशन हैं उनको हल करना है सो दैट हमें एक्स और वाई की जो आंसर है वो मिल सके। तो लेफ्ट हैंड पे ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम एक्स वाई को अलग करने के लिए ये जो फर्स्ट वाला फैक्टर है इसको इधर आकर डिवाइड कर देंगे। तो सबसे फर्स्ट पे आ गया एक्स प्लस वाई अयोटा इक्वल में आ जाएगा 4 प्लस अयोटा और नीचे आ जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा। अब इससे नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक काम करेंगे, हम नीचे वाले का जो साइन है ना वो चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और साथ डिवाइड भी कर देंगे। मतलब हम क्या किया, हमने कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड कर दिया। इस तरीका नाम है रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 8 प्लस 4 3 12 अयोटा 2 1 2 अयोटा तो 3 1 3 और 7 अयोटा का स्क्वेयर। तो a माइनस b a प्लस b जब भी रैशनलाइज करते हैं नीचे फॉर्मूला लगता ही लगता है, तो वो होता है जी a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर के बराबर। तो ये वाला जो 8 है अभी ऐसे लिख रहा हूं तो 12 प्लस 2 ये बच्चों हो जाएगा 14 7 अयोटा माइनस 3। ये माइनस 3 क्यों हुआ है, क्योंकि साथ से लिखा हुआ है अयोटा स्केयर और जो अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है वो होती है -1 के बराबर, इसलिए माइनस 3 लिख दिया। 2 का स्केयर 4 3 का स्केयर 9 लेकिन मैं लिख रहा हूँ प्लस का 9 क्योंकि साथ अयोटा स्केयर है उसकी वैल्यू होती है -1 के बराबर। तो ये दोनों को प्लस कर 13 आ जाएगा तो 8 में से 3 गया तो बच्चों मुझे मिल जाएगा 5 ओवर 13 प्लस 14 अयोटा ओवर 13। लेफ्ट पे था एक्स प्लस वाई अयोटा, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों आपस में बराबर हैं तो रियल पार्ट होता है रियल पार्ट के बराबर और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट के बराबर। तो इस तरीके से हमने यहाँ से एक्स और जो वाई है उसका हमने जो आंसर है वो कैलकुलेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है जी, एक्स और वाई ढूंढना है तो ये आपस में मल्टीप्लाई का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 को x से करेंगे बच्चों तो 3x प्लस 3 y और अयोटा -2x अयोटा ±2y अयोटा का स्केयर। लेफ्ट हैंड पे हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया है, अब राइट पे जो रियल पार्ट है वो दोनों कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2x -4y अयोटा +2 अयोटा और -1। अब हम एक्स वाई वालों को एक तरफ करते हैं, बाकी नंबर एक तरफ करते हैं तो 3x+3y अयोटा -2x अयोटा+2y जो अयोटा स्केयर है वो होता है -1 के बराबर, तो यहाँ -1 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। 2x राइट पे पॉजिटिव में है, लेफ्ट पे आके ये नेगेटिव हो जाएगा और जो 4y है वो पॉजिटिव में हो जाएगा। इधर है जी -1 प्लस 2 अयोटा, इनको अरेंज करके लिख दिए। 3x में से 2x गया, x बचा +2y -2x अयोटा 3y और 4y ये बच्चों बन गए 7y और 7 अयोटा -1 प्लस 2 अयोटा। इन दोनों में से कॉमन अयोटा आ सकते हैं, x+2y+-2x+7y अयोटा इधर छा देगा -1 प्लस 2 अयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर दरमियाने बराबर का निशान है तो रियल पार्ट रियल के बराबर, कॉम्प्लेक्स पार्ट के बराबर। x+2y इक्वल में आ जाएगा -1 के, -2x+7y इक्वल में आ जाएगा 2 के। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसको यूज करते हैं x = -1 -2y। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कहता हूँ।
तो मैं आगे लिख रहा हूं, पुट करते हैं हम इक्वेशन नंबर टू को इन इक्वेशन नंबर वन, मतलब जहां पे एक्स होगा वहां पे ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करते हैं माइनस टू के साथ एक्स है और एक्स का मेरे पास ये रिजल्ट लिखा हुआ है, तो माइनस वन माइनस टू वाई प्लस सेवन वाई इक्वल में है जी टू, माइनस माइनस प्लस टू वन जार टू, माइनस माइनस प्लस टू टू जार फोर वाई प्लस सेवन वाई इक्वल में है जी टू, लेफ्ट पे टू प्लस फोर है, जब इसको हम इधर से इधर लेके आएंगे राइट पे तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो फोर प्लस सेवन ये हो जाएगा इलेवन वाई इक्वल में है टू माइनस टू, ये आ जाएगा जीरो, तो वाई इज इक्वल टू जीरो बाय इलेवन, तो वाई कितना मुझे मिल जाएगा जीरो। अब जो वैल्यू मुझे वाई की मिली है इसको मैंने इक्वेशन नंबर टू में पुट करना है। इक्वेशन नंबर टू लिखी हुई है एक्स बराबर है जी माइनस वन इंटू माइनस टू और साथ जीरो, तो टू जीरो साथ जीरो, तो एक्स में मिल जाएगा माइनस का वन। तो ये दो रिजल्ट्स थे जो उसने हमसे डिमांड किए थे क्वेश्चन नंबर सेवन के अंदर। थर्ड पार्ट है जी, यहाँ से भी एक्स वाई ढूंढना है, ऊपर स्केयर है तो पहले हम इसका स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्केयर प्लस टू ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड पे ये माइनस है तो जब इसको राइट पे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एयोटा प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू वाई एयोटा, बल्कि वाई एयोटा है। तो थ्री का स्क्वायर बचो नाइन होता है, थ्री टू जार सिक्स, सिक्स फोर जार ट्वेंटी फोर और साथ एयोटा, फोर का स्क्वायर बचो सिक्सटीन होता है और साथ आ जाएगा एयोटा का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एयोटा प्लस टू एक्स माइनस टू वाई एयोटा, टू को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया वाई के साथ, तो नाइन प्लस ट्वेंटी फोर एयोटा माइनस का सिक्सटीन, एक्स और टू एक्स मिलके बन गया थ्री एक्स माइनस वाई एयोटा, टू वाई में से इस वाई को निकालेंगे तो सिंपल वाई बचेगा, तो सोलह में से ये नौ गया तो आ जाएगा माइनस का सेवन, माइनस सेवन प्लस ट्वेंटी फोर एयोटा इक्वल में है जी थ्री एक्स माइनस वाई एयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है, रियल रियल के बराबर, कॉम्प्लेक्स पार्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट के बराबर, तो थ्री एक्स इक्वल में आ जाएगा माइनस सेवन के, तो एक्स में मिल जाएगा माइनस सेवन ओवर थ्री, और जो वाई है वो मिल जाएगा हमें ट्वेंटी फोर, और ये माइनस इधर आ जाएगा तो वाई कितना बन जाएगा यहाँ से माइनस का ट्वेंटी फोर। तो ये क्वेश्चन नंबर सेवन था जो कि वाइंड अप हो गया, बड़ा ही अहम है, वीडियो को स्टार्ट भी बोला था, इसमें से बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो मजीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बर वक्त पहुँच सके, और रखिए दुआ में याद, अल्लाह हाफिज़।